स्पॉन्सर्ड बाय बीआरसी छत्री डेसिकेटेड कोकोनट सुपर पाउडर। पेयजल के स्थायी समाधान को लेकर भाजपा में कलेक्ट्रेट के बाहर दिया धरना, बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। पाली जिले में मॉनसून की बारिश इस बार बहुत ही कम हुई है। जिले के बांध और तालाब पूरी तरह से खाली पड़े हैं। जलदाय विभाग ने भी 96 घंटे के अंतराल में पेयजल आपूर्ति शुरू कर दी है। वहीं भाजपा की पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने पेयजल के स्थायी समाधान के लिए विधायक ज्ञानचंद पारक के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट के बाहर धरना देकर कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। नवभारत समाचार पाली राजस्थान से मुकेश सोनी की रिपोर्ट। परम आदरणीय सम्मानित मंच और पाली विधायक ज्ञानचंद जी पारक के एक छोटे से और संक्षिप्त निवेदन पर जो कार्यकर्ता यहाँ दिखा देंगे ना तो पूरा प्रशासन हिल जाएगा। कार्यकर्ता बंधु, हमारी सबसे बड़ी ताकत आप लोगों की है। ज्ञान जी पैसा आप अकेले नहीं, हम सब आपके साथ है। पूरी पाली विधानसभा की जनता आपके साथ है। आप 25 साल से आप हमारी सेवा कर रहे हैं। किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, ज्ञान जी पैसा हमेशा सेवा के लिए देते हैं। और वो कल परसों आए और ये जवाब देते कि क्या किया क्या किया, ये जनता से पूछो। ये चले, ये सबूत है। ये जनता सिर्फ 24 घंटे के अंदर है। 25,000 पब्लिक पहले भी अपन ने कभी हुई तब एक महीने तक टैंकर के जरिए हर गली मोहल्ले के घर घर तक मीठे पानी की व्यवस्था की। आपको मीठा पानी पिलाया और इस बार भी आपसे वादा करता हूं कि कितना भी बड़ा संकट होगा खुद कष्ट उठा दूंगा, खुद तकलीफ देख लूंगा। पर पाली की जनता को पीने के लिए अच्छा पर्याप्त पानी मिल जाए इस बात के लिए लगातार संघर्ष करता रहूंगा। इस संघर्ष में आपका सहयोग चाहिए, साथ चाहिए। कभी भी याद करें तो आना, ताकि हमारी ताकत बनकर आप हमको इतनी शक्ति दे दो कि हम सरकार को मजबूत कर सके। सड़क जाम की थी, उसमें भी हजारों कार्यकर्ता थे। हमने शांतिपूर्वक तरीके से काम किया, उसके बाद भी सरकार ने हमारी अनसुनी की तो उसके बाद तो पता है ना आपको। हमने सरकार को पहले ही आगाह कर दिया था, अगर ये हमारी वाजिब मांग की भी अगर आप अनसुनी करोगे तो आप चाहे कितनी भी पुलिस फोर्स लगा देना, सरकार का कोई भी मंत्री पाली से सुरक्षित वापस नहीं जाएगा। उसको कहीं ना कहीं बेइज्जती झेलनी होगी। और आप गवाह हो कि प्रभारी मंत्री खेत सिंह जी से कौन मीटिंग लेने पाली आए थे। पूरी पुलिस छावनी बना पाली में बाढ़ आती जगह बाढ़ रे हतरा मस्ती आज का काल जगह हतरा मस्ती यानी बाढ़ हतरा मस्ती। अरे यार क्या बात करते हो, ज्ञान दीजिए जैसा व्यक्ति ने अगर इन पार्टियों ने वास्ते लड़ाई लड़नी पड़े। धिक्कार है सरकार को, ऐसे सरकार में डूब मरना चाहिए। राजस्थान के मुखिया को डूब मरना चाहिए जिसमें आज किसान रोडों पे खड़ा है, जिसमें मजदूर रोडों पे खड़ा है। अरे क्या मांग रहे हैं आपसे, ये चुल्ला और बांधी मांग रहे हैं आपके। अगर वो भी आप नहीं देख सकते डूब मरो, आप डूब मरो। उसको लेकर सरकार को आगाह किया हमने कि तत्कालिक उन योजनाओं को लागू करें जिसके माध्यम से पानी की पर्याप्त व्यवस्था इस पूरे बेल्ट में हो जाए, क्योंकि 10 महीने का कार्यकाल पूरा पड़ा है। आगामी 10 महीने बाद बारिश होगी और ये 10 महीने जो लोकल सोर्सेज हैं या जो सरकार ने भी कंटिन्यूसी प्लान बनाया है उन दोनों के द्वारा ये 10 महीने निकालने बहुत भारी काम हो जाएगा। हमने सरकार को सुझाव दिया है कि जो जोधपुर पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, जो पाली जोधपुर की सीमा पर निर्माणाधीन है, वहाँ के लिए जोधपुर से पानी लाना प्रस्तावित है। वो काम 1.5 या 2 साल बाद होगा, वो काम तत्काल कर दे। और वैसे भी इंडस्ट्री को 2 साल बाद पानी के भी पानी चाहिए नहीं, तो वो पानी तत्काल सरकार ला सकती है और इसके माध्यम से जोधपुर और पाली शहर में अतिरिक्त पानी मिल जाए तो काफ़ी राहत मिलेगी। अभी 4 ट्रेनों के जरिए इन्होंने लगभग 70-80 लाख लीटर प्रतिदिन पानी पहुंचाने का एक कंटीजेंसी प्लान पास किया है, तो पाली शहर में 70-80 लाख लीटर पानी पर्याप्त नहीं रहेगा। हमारी मांग है कि आप कम से कम 6 ट्रेनें, अभी संभावना है, पूरी पता लगाए, हमने जोधपुर से पता लगाया और दिल्ली से हम ट्रेनों की हमने भी बात की है, तो ये 4 ट्रेनों की बजाय 6 ट्रेनें आ जाएगी ना, तो लगभग 40-45 लाख लीटर पानी अतिरिक्त मिल जाएगा। उसके अलावा जो भी लोकल सोर्सेज है, हमारे पुराने कुएं हैं, बावड़िया है, जो कभी पाली की प्यास को बुझाते रहे हैं, उनको भी इस इमरजेंसी के समय में कहीं ना कहीं तलाशने की जरूरत है।
ताकि वहाँ अगर वो सारे साफ सफाई होकर दुरुस्त होकर उनका पानी अगर कहीं किसी के परिवार में नल नहीं आया है तो वहाँ से पानी ला सके, ऐसी व्यवस्था हो सके। बाकली बांध में भी पानी पड़ा है लगभग 60 लीटर MCFT पानी पड़ा है। तो जो बाकली बांध पाली की सीमा पर स्थित है, मेरे क्षेत्र सीमा पर स्थित है, तो वहाँ से वायद है, कुलथन है, उन गाँव तक आराम से पानी पहुँचाया जा सकता है। अभी भी मेरे दो गाँव है, पाती हंजावा जो मेरे विधानसभा क्षेत्र में है और बाकी बांध के वहाँ पेयजल आपूर्ति होती है, उसको थोड़ी और बढ़ा दी जाए। इसके अलावा जो बाड़ियाबाद और ढूंढाबाद बांध में लगभग 150 MCFT पानी आया है, तो तत्काल लाने की कार्रवाई चालू कर रहे हैं। अभी ये एक एक दिन भारी पड़ रहा है पाकिस्तान की जनता के लिए। सख्ती सरकार ने इतनी कर दी, प्रशासन ने इतनी कर दी कि किसी परिवार में या किसी घर में पानी नहीं आया, एक टैंकर लेना है तो उस बेचारे को जगह भटकना पड़ता है, कहीं ना कहीं उसको किसी न किसी राजनेता का सारा लेकर पर्ची लेनी पड़ती है, सब जगह जाकर उसको टैंकर मिलता है। तो हमने भी ये भी कहा है कि आप टैंकरों की व्यवस्था माकूल कर देते हैं, किसी के परिवार फंक्शन और जिन गली मोहल्ले में पानी नहीं आ रहा है वहाँ टैंकरों द्वारा पानी अभी भिजवाएं, जब तक ये ट्रेनों का पानी या दूसरों का पानी या आपके ये पानी है बाड़ियाबाद का जंगल का नहीं आता, तब तक ये टैंकर की सुविधा बढ़ाए। तो ये सारी हमारी मांग थी। इसके अलावा विशेष तौर से हमारी मांग थी कि जो फसलों की बर्बादी इस बार हुई है कम बरसात की वजह से, उसकी सही गिरदावरी हो जाए।